सो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेल 14 i3 12th Gen लैपटॉप की जो है अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन जो है आप इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। और ये जो लैपटॉप है हमने ऑर्डर करा है अमेजोन के ग्रेट इंडियन सेल के चलते। तो ये मैं लैपटॉप, वैसे भी इसकी जो प्राइस है वो 37,000 के आसपास होती है, लेकिन हमें सेल के चलते, क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट के चलते हमें जो है ये 35,000 में मिला है। तो ये लैपटॉप जो है 35,000 में वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, और ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये किन लोगों को लैपटॉप लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, उसका पूरा आपको फर्स्ट इंप्रेशन और इनबॉक्सिंग में आपको बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑल में प्रेस कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी है हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के रिलेटेड आपको क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। सो गाइस, यहाँ पे पैकेजिंग जो है काफ़ी बड़ा दिया गया है, तो इसको सबसे पहले हम करते हैं अनबॉक्स। तो यहाँ पे जो मुझे, जब मैं रिसीव हुआ तो मुझे थोड़ा बहुत डैमेज लग रहा था, बट इसको जो हम ओपन करके देखते हैं कि ये डैमेज वहाँ से तो ऑलरेडी निकल ही चुका है। तो देखते हैं ये। सो इस प्रकार की आपको यहाँ पे पैकेजिंग देखने को मिल जाती है ताकि डैमेज ना हो। और ये रहा बॉक्स, एंड देन इसमें हम बात करें तो इसमें कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, बिल आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात करें हम बिल की, तो ये रहा फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप का जो बॉक्स है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो इको फ्रेंडली है। यहाँ पे कलर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे अच्छी बात है। और यहाँ पे जो बिल की बात करें तो आप देख सकते हो 37,990 रुपीज़। तो ये जो लैपटॉप है हमें मिला है सिर्फ 35,000 में, डिस्काउंट के चलते, अमेज़ॉन बिग बिलियन डेज के चलते हमने इसको ऑर्डर करा था। तो इसको ओपन कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको चार्जर्स, केबल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, एडेप्टर एंड केबल। एंड देन आपको यहाँ पे एक पाउच सा देखने को मिल जाता है जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। एंड देन यहाँ पे एंड देन कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से जो है आपका हम प्रोडक्ट जो है डैमेज नहीं होता। तो ये रहा हमारा लैपटॉप, वैसे लाइट वेट है। और ये कुछ एडेप्टर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये एडेप्टर की हम बात करते हैं सबसे पहले, एडेप्टर जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है 65 वॉट का, आपको यहाँ पे एडेप्टर देखने को मिल जाता है, देख सकते हो गाइस। और एडेप्टर जो काफ़ी इन एंड फील छोटा है, हैंडी है काफ़ी। और यहाँ पे हमारा जो लैपटॉप है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे लैपटॉप जो है फर्स्ट इंप्रेशन की मैं बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और यहाँ पे मैट फिनिश एंड डेल का जो लोगो है वो आपको ग्लोसी में देखने को मिल जाता है, और ये पूरा जो है आपको मैट फिनिश में देखने को मिलता है आगे पीछे। सो यहाँ पे आपको वेंट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे पोर्ट्स भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं, HDMI पोर्ट एंड USB पोर्ट मिल जाते हैं, एंड SD कार्ड पोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है गाइस, ईथरनेट पोर्ट भी। और यहाँ पे है आपको ऑडियो पोर्ट 3.5 mm। तो इसको चलिए करते हैं इसको ओपन। एंड देन यहाँ पे आपको एक मिल जाए, सो इसको करते हैं ऑन। और यहाँ पे जो इसकी ट्रैक पैड की DPI है वो भी काफ़ी अच्छी है। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं इंडिया एंड देन यस, तो यहाँ पे जैसे ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं वैसे इस हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो हमें काफ़ी अच्छी लगा। तो यहाँ पे हम वाईफाई जो है अभी कर देंगे स्किप।
तो इसको जो है वाईफाई से कनेक्ट करके पूरा सेटअप करना पड़ेगा, तो जल्दी से इसको पहले सेटअप कर लेते हैं। और यहाँ पे सो गाइस आप देख सकते हो लैपटॉप जो है पूरा हमने सेटअप कर लिया है, और ये हमारा चैनल है जेडी टेक इन्फो। तो इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिएगा। अगर हमारा कोई भी वीडियो के रिलेटेड आपको क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और ये हमारा चैनल है आप देख सकते हो। सो गाइस लैपटॉप की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लैपटॉप में आपको 14 इंच की, जिसका जैसा नाम इसका है डेल 14, तो ये 14 इंच की आपको यहाँ पे अभी यहाँ पे जो लैपटॉप है काफ़ी स्मॉल साइज़ का आपको दिख रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये इतना भी स्मॉल नहीं है जितना आपको दिख रहा है, ठीक है, 14 इंच का है। तो ये आप कहीं भी आप इसको इसका जो आपको डेमो देखना है तो क्रोमा या फिर किसी फिजिकल स्टोर पे आप जाके इसका डेमो देख सकते हो। 14 इंच की साइज़ किस हिसाब से होती है उसके हिसाब से आपको आप अपने हिसाब के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जज कर पाओगे कि भाई आपको 14 इंच की रिक्वायरमेंट है या 15 इंच की या फिर 16 इंच, ठीक है। तो ये 14 इंच का लैपटॉप है, यहाँ पे आपको जो है एल्यूमिनियम डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती है। पूरा जो लैपटॉप है प्लास्टिक बिल्ड है, बट यहाँ पे आपको पूरा एल्यूमिनियम फिनिश देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मेटल का है, बट मेटल का नहीं है, जो है प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन प्लास्टिक बिल्ड भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे यहाँ पे आपको प्रेस करने पर वो फ्लेक्सिबल होता हो या फिर ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड देन बात करें इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पे 1080p की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और 62.5% का sRGB देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो आप ऐसे सोचोगे कि भाई इसको हम एज एडिटिंग लैपटॉप यूज़ करें तो इसको इसकी डिस्प्ले उसके कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि ये एडिटिंग कर पाए, क्योंकि कलर करेक्शन में यहाँ पे आपको जो 99% से प्लस sRGB चाहिए यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे 62.5% sRGB है और 250 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने मिल जाती है। तो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है इंडोर में, हालांकि ये इस टाइप के लैपटॉप जो आप आउटडोर में यूज़ भी नहीं करेंगे कोई लेकर। और ये लैपटॉप किन को बाय करना चाहिए, तो ये जो लैपटॉप है वो आप स्टूडेंट्स हो या फिर आप ऑफिस का काम करते हो तो उसके लिए आपको बेस्ट लैपटॉप है, और हल्की फुल्की आप गेमिंग करते हो तो आपको चल जाएगा ये लैपटॉप। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि इसमें हैवी गेमिंग करेंगे तो ये लैपटॉप जो है उसके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें इंटेल का i3 U सीरीज़ का जो प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है 12th Gen का, तो यहाँ पे कोई बात नहीं। यहाँ पे SSD जो है WD की आपको यहाँ पे मिलती है 512 GB की, तो SSD भी है। ये आप अगर चाहते हो कि स्टोरेज बढ़ाना तो एक्सटर्नल SSD आप यहाँ पे ले सकते हो, और 8 GB की रैम मिलती है जिसमें आपको 7 GB के आसपास यूजेबल रैम देखने को मिल जाती है। और बात करें यहाँ पे इसकी जो लैपटॉप के परफॉर्मेंस की, तो नो डाउट इस लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। और इस बैटरी है इसकी जो 54 वाट आवर की बैटरी आपको देखने को मिलती है, तो आराम से आपको इसको 4 to 5 आवर जो आराम से इसको आप चला सकते हो, अगर आप फुल चार्ज में इसको 4 to 5 आवर्स तक चला सकते हो फुल चार्ज करने पर। और यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे लैपटॉप की, तो विंडोज 11 आपको यहाँ पे ओपन बॉक्स विंडो जो 11 आउट ऑफ बॉक्स विंडोज 11 आपको देखने को मिल जाता है, एमएस ऑफिस देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और हमने पूरा अभी सेटअप नहीं कराया ना इसमें GTA इंस्टॉल करी है, बट यहाँ जहाँ तक मेरा अनुमान है वहाँ तक जो इसमें GTA 5 चल तो जाएगी डेफिनेटली इसमें, लेकिन यहाँ पे हमारा जो PC है वहाँ पे GTA 5 ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो वहाँ पे हमारा जो Ryzen 3 का 3200G वाला प्रोसेसर है जहाँ पे Vega 4 ग्राफिक्स इनबिल्ट ग्राफिक है, तो वहाँ पे भी GTA चल जाती है वहाँ पे, और थोड़ा बहुत वहाँ लैग देखने को मिलता है। तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको फ्रेम ड्रॉप तो देखने को मिलेगा ही, तो आप सोच रहे हो कि फर्स्ट थोड़ी बहुत गेमिंग कर ली तो उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें फिर भी गेमिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये याद रखें कि आप एक फ़ैन के नीचे हो या फिर एक AC वाले रूम में या फिर फ़ैन के नीचे बैठे हो, अदरवाइज ये लैपटॉप इतना हीट होगा क्योंकि ये गेमिंग के लिए बना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना ऑफिस वर्क या फिर स्टूडेंट हो तो आपको काफ़ी अच्छा, और इसका जो एडेप्टर है वो काफ़ी छोटा मिल जाता है आपको, मतलब 65 वॉट का है, छोटा नहीं है वैसे लेकिन साइज़ में छोटा है, तो आपको कैरी करने में काफ़ी आसानी रहेगी। जैसे आप ट्रैवल करते हो या फिर आप कॉलेज जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो, तो आपको ये लैपटॉप है 14 इंच का है तो आराम से इसको कैरी कर सकते हो। 1.5 kg का इसका वेट है, तो आराम से इसको बैग में कैरी करके आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे बैकलिट जो कीबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्राई करा है, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी जो इसकी लाइट्स वगैरह हैं वो अभी दिख नहीं रही है बैकलिट में, तो मैं भी यहाँ पे कोई फंक्शनल की होगी इसको यूज़ करने के लिए, तो आई थिंक इसमें अभी मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे जो फ़िलहाल जो मैंने ट्राई करा, लेकिन यहाँ पे अभी मुझे इसकी जो बैकलिट कीबोर्ड की जो
लाइट है वो अभी जो स्टार्ट नहीं हो रही, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार से स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका कोई आई थिंक सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा, तो उसको हम कर देंगे रिसॉल्व। लेकिन यहाँ पे आपको जो बिल्ड है या फिर ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी मिलती है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि 34,000 में आपको 35,000, 30,000, 35,000 तक आपको मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको हाई एंड लैपटॉप मिले। हालांकि 50,000 प्लस जो आपको स्टार्टिंग होती है गेमिंग लैपटॉप की, 50,000 से एक गेमिंग लैपटॉप ही स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे आपको 35,000 में इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये ऑफिस वर्क या फिर स्टूडेंट हो तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर इस लैपटॉप के या फिर हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के रिलेटेड आपको क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। और इस चैनल पे अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिएगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।